हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने ये ब्यूटीफुल मेकअप लुक क्रिएट किया है। ये शुगर वन ब्रांड मॉनसून मेकअप लुक होने वाला है। इसे आप नो फाउंडेशन मेकअप लुक भी कह सकते हैं, जो वाटरप्रूफ होने वाला है। सो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक अ मोमेंट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो साथ में बेल बटन है उसे हिट कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी सनस्क्रीन। इसके लिए मैंने पिक किया है शुगर साइट्रस कॉट रियल SPF 30 सनस्क्रीन। एंड इसको मैंने 3 फिंगर्स पे पिक किया है। एंड इसे मैं अपने फेस पे, अपने नेक एरिया पे, ईयर पे एंड यहाँ पे मैं इसे अपने शोल्डर पे भी अप्लाई करूंगी, क्योंकि ये मेरा ओपन है। एंड जब तक इसे अप्लाई करना है, जब तक आपकी स्किन पे ये अच्छे से मर्ज ना हो जाए। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे लिप बाम। अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी अपने लिप्स को। इसमें जो मेरा वेरियंट है, इट्स 01 मॉजिटो। सो गाइस, नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। इट्स बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है। इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करूंगी एंड बहुत ही अच्छे से ये आपके जो पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, आपको जो बेस है उसे एक स्मूथ इफेक्ट देता है। फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी गाइस बीबी क्रीम। इसके लिए मैंने पिक किया शुगर गॉडेस ऑफ फ्लॉलेस SPF 30 प्लस बीबी क्रीम। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 25। डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। देन एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। बहुत ही अच्छी है बीबी क्रीम गाइस। ये बहुत ही लाइट वेट है, इजी टू ब्लेंड है एंड इसकी कवरेज भी गाइस बहुत ही अच्छी है। एंड इसको अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे कंसीलर की भी जरूरत नहीं है, तो हम कंसीलर को स्किप करेंगे। एंड इसके बाद मैं अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा सेट कर लूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे पिक किया ऑल सेट टू गो ट्रांसलूसेंट पाउडर। एंड इसे मैं अपने अंडर आई एरिया, वहाँ पे क्रीज पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने जो भी एक्सेस पाउडर है उसे मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, तो मुझे एक्स्ट्रा पाउडर की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं अपने फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ फेस पैलेट। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 03। सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा लाइट कॉन्ट्रो करूँगी। ऑब्वियसली ये मिनिमल मेकअप लुक है, सो पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लश के लिए। ब्लश जब भी आप यूज़ करें थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लें, क्योंकि जो ब्लश है वो बहुत ही पिगमेंटेड है। तो मैं बेस को सेट कर लूँगी। इसके लिए मैंने किया शुगर ग्रैंड फिनाले डुई सेटिंग मिस्ट एंड बहुत ही अच्छे से आपके बेस को सेट कर देता है। सो यहाँ पे बहुत ही कम हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी, कि थोड़ा सा मिनिमल मेकअप लुक है एंड थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए। सो मैंने इसे अपने चिकबोन को, नोज़ को हाईलाइट कर लिया। एंड नेक्स्ट गाइस मैं अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लूँगी। इसके लिए मैंने पिक किया शुगर आईब्रो डिफाइनर एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है जेरी ब्राउन। अगर आप बिगनर है तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट होने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही पिगमेंटेड है एंड बहुत ही आराम से इसे अपने आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हो। आई मेकअप तो गाइस बहुत ही ईजी होने वाला है, तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक पिक करूँगी यहाँ पे। इट्स मैट इज हेल्थ क्रियॉन लिपस्टिक एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 07। इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूंगी एंड थोड़ा सा क्रीज पे अप्लाई करूंगी। देन एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड आउट कर लूंगी अपने क्रीज पे एंड आउटर कॉर्नर पे। एंड सेम शेड में अप्लाई करूँ अपनी लोअर आईलिड पे भी। फेस पैलेट में से हाइलाइटर पिक करूंगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से एंड देन मैं उसे अपने इनर कॉर्नर से लेकर मिड लिड तक अप्लाई कर लूंगी। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी गाइस काजल। इसके लिए मैंने पिक किया है आईज आइज बेबी जेल आईलाइनर एंड इसमें शेड है 01। थोड़ा सा अपने आईज को स्मोकी लुक दूंगी। एज आईलाइनर मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। देन एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी एंड सेम काजल मैंने अप्लाई किया लोअर लैश लाइन पे भी। मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। इट्स अप डाउन कर्ल लेंथिंग मस्कारा। अपर आईलैशेस, लोअर आईलैशेस दोनों पे मैं इसे अप्लाई कर लूंगी एंड अप्लाई करने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। सेम लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैट इज हेल्थ क्रियॉन लिपस्टिक। शेड है इसमें मेरा 07 एंड बहुत ही इजी है इस लिपस्टिक से अप्लाई करना, आपको लिप लाइनर की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज माय फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने हेयर को नीचे से कर्ल कर लिया एंड दैट्स इट। अगर आप बिगनर है तो बहुत ही आराम से इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट के सारे लिंक मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड यस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।